हाय फ्रेंड्स, दिस इज पल्लवी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं पर्पल शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पर्पल से मैंने कुछ और स्किन केयर प्रोडक्ट परचेज किया है जो कि विंटर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसी के साथ साथ मैं ज़्यादातर ऑनलाइन स्किन केयर ही परचेज करती हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा। मेकअप भी परचेज करती हूँ, लेकिन कुछ फिक्स कुछ ऐसे सेलेक्टेड आइटम है मेकअप में जो मैं परचेज करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लाइक फाउंडेशन, कंसीलर या फिर आप कॉम्पैक्ट वगैरह ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपके स्किन शेड से वो मैच ही नहीं करता है। तो इसलिए मैं अब ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम अगर परचेज करना होता है तो स्टोर से परचेज करती हूँ। आपको भी अगर फर्स्ट टाइम परचेज करना है किसी ब्रांड का और शेड चेक करना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, तो आप ऑनलाइन मत देखो, आप ऑफलाइन फर्स्ट टाइम परचेज कर लो। जब आपको शेड कंफर्म हो जाए तब आप उसको रीपरचेज ऑनलाइन कर सकते हैं। फटाफट से वीडियो को बिल्कुल डिले नहीं करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे वीडियो आप देखना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, पर्पल शॉपिंग हॉल पहुँच सके। इस समय पर्पल में बहुत अच्छे सेल चल रहे हैं, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप करिए, बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि हर एक ब्रांड पे अच्छे अच्छे ऑप्शन भी और अच्छे अच्छे। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो ये है सेफ्रॉन का नरिशिंग डे क्रीम गुड वाइब्स से। गुड वाइब्स में बहुत सारे नरिशिंग क्रीम है, बहुत सारे डे क्रीम, नाइट क्रीम है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, इसमें पैराबेन नहीं होते हैं, इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, 100% नेचुरल है। इसी के साथ साथ जो सेफ्रॉन का नरिशिंग क्रीम है ये 100 ग्राम इसका वेट है और 350 रुपीज इसके MRP है, बट पूरे साल आपको ना अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो 350 रुपीज में तो आपको नहीं पड़ेगा, अगर आप दो तीन प्रोडक्ट भी लेते हैं तो भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर देखते हैं तो इसका अंदर का टेक्सचर कुछ इस तरीके से, ये मैंने नहीं किया बिल्कुल भी, ये ऐसे ही था। इसका बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है, सेफ्रॉन और नरिशिंग क्रीम का बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर है। तो इस विंटर में, इनफैक्ट किसी भी विंटर में, अगर आप स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं मेकअप से पहले तो आपको एक अच्छी नरिशिंग क्रीम को अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर जो रोज का हमारा स्किन केयर रूटीन होता है उसमें भी आपको ये नरिशिंग डे क्रीम तो अप्लाई करना ही चाहिए, तो उसके लिए काफी अच्छा है। बहुत सॉफ्ट सा है, ऐसा नहीं है कि हार्श है स्किन पर, अच्छा है, सॉफ्ट है, चिपचिपापन बिल्कुल नहीं है। फेस पे अच्छे से आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए स्किन पर मेरे हाथ पे पूरा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया और बहुत स्मूथ सा टच है, स्मूथ सा इसका फील है, तो अच्छा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का अनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर मास्क। ये हेयर मास्क है गुड वाइब्स का, मैंने इससे पहले भी हेयर मास्क अप्लाई किया है और पर्पल से ही मंगा के मैंने ट्राई किया, ठीक ठाक रिजल्ट था, बट गुड वाइब्स का नहीं था वो। इस बार मैंने गुड वाइब्स से दो हेयर मास्क मंगाए हैं, पहला है अनियन का और दूसरा है बनाना हेयर मास्क। अनियन स्पेशली आपका है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए और बनाना है शाइनिंग हेयर के लिए, तो आपको दोनों में से जो भी ठीक लगता है आप वो मंगा सकते हैं। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये है आपका 399 इसकी MRP है, 200 ग्राम का ये कंटेनर है। तो दोनों ही विंटर के टाइम पे जो फिजी हेयर हो जाते हैं, शाइन नहीं है, डल है, इस समय मेरे भी बाल बहुत डल और रफ हो रहे हैं, इनफैक्ट हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, इस वजह से मैंने ये दोनों मंगाया है। बहुत जल्दी मैं एट होम एक पूरा हेयर केयर मेरा रूटीन आपके लिए रिकॉर्ड करूंगी, उसमें मैं इसको यूज करूंगी, तो मैं इसका प्रॉपर, इसका क्या टेक्सचर है और इसका यूज करने के बाद क्या इफेक्ट है ये भी मैं आपको बता पाऊंगी। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया है वो है दिस वन। ये है गुड वाइब्स का बॉडी लोशन जो कि लेवेंडर और उसका है सुपर सेवर पैक है। ये लेवेंडर का बॉडी लोशन है, सॉफ्टनिंग के लिए है, नो पैराफिन है। ये जो बॉटल था ये काफी सही था, 500 ml की ये बॉटल है। इसकी MRP जो है वो है 425 रुपीज, बट 425 रुपीज में मुझको नहीं मिला था। अगर इतना कॉस्टली होता तो मैं शायद इसको नहीं मंगाती, बट इन सबको कंक्लूडेड फॉर्म में मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। ये काफी सही है और लेवेंडर जो है स्किन के लिए काफी अच्छा है। तो ये बॉडी लोशन है और विंटर में जितने ज्यादा बॉडी लोशन है उतनी ही ज्यादा कमी है, तो ये अभी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट और ऑफर में मिल जाएगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस वन। ये है एल्फ गुडनेस का उपटेरिन अल्फा आर्बिटिन रेडिएंट फोमिंग फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप। ये काफी सही वाला फोमिंग फेस वॉश है और उसमें एप्लीकेटर भी दे रखा है, साथ ही साथ ये स्किन को बहुत जेंटली क्लीन करता है, सॉफ्टन बनाता है, लाइटन अप करता है स्किन को और रेडिएंट ग्लो, रेडिएंट दिखाता है। सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और सोप फ्री है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखता है। ये इस तरीके का है, यहाँ पे एप्लीकेटर एक ब्रश जैसा दे रखा है, यहाँ पे एप्लीकेटर। बेसिकली ये फोमिंग फेस वॉश है। फोमिंग फेस वॉश नॉर्मली
जो नॉन फोमिंग फेस वॉश होते हैं उससे ज्यादा जेंटल होते हैं। तो आपको केवल यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है फेस पे, इसी ब्रश की हेल्प से आपको उसको क्लीन करना है। तो टाइम टाइम पे जब भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो एक तरीके का आप देखेंगे तो फेस पर स्क्रब का भी काम कर लेता है, रेगुलर आपको स्क्रब करने की जरूरत नहीं है। इसका जो एप्लीकेटर है, ये ब्रश है ना, बहुत सॉफ्ट है, मतलब फेस पे ऐसा हार्श वाला नहीं है। बहुत जल्दी इसको यूज करूंगी और यूज करके एक मिनट के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका एप्लीकेटर कैसा है और इसका फेस पे अप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा है। इसका जो प्राइस था ना, ये है 325 रुपीज, इसका प्राइस है 150 ml की बॉटल है ये, तो इस प्राइस में आपको मिल जाएगा अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो, अदरवाइज आपको डिस्काउंट में नहीं जाना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का कुकुम्बर और लेमन अंडर आई सीरम। अंडर आई सीरम स्पेशली क्या करते हैं, अगर आपको डार्क सर्किल है या फिर कुछ आपके अंडर आई में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है या अनइवन सा स्किन टोन दिख रहा है तो आप उस पर यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका अच्छा रिजल्ट है, इसमें सल्फेट नहीं है, पैराबिन इसमें भी नहीं है, इनमें किसी प्रोडक्ट में सल्फेट और पैराबिन नहीं होता है। साथ ही साथ इसकी MRP जो है वो 240 रुपीज है और ये 10 ml की बॉटल है। 10 ml की बॉटल बेसिकली ये ऐसा है, इस तरीके की शीशी में है और इस तरीके का पंप फॉर्म में इसका एप्लीकेटर मिल जाता है। तो आप उसको एक बूंद एक साइड की आईज के लिए सफिशियंट है, एक बूंद और दो बूंद दोनों आईज के लिए सफिशियंट है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने परचेज किया है यहाँ पे कुकुम्बर जेल जो कि गुड वाइब्स का है, ये फेस जेल है कुकुम्बर का। ज्यादातर कुकुम्बर जेल हो या कोई भी जेल हो, ज्यादातर लोग सर्दियों की जगह पे गर्मियों में यूज करना पसंद करते हैं, बट मैंने इसको परचेज किया क्योंकि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको विंटर में यूज नहीं करूंगी। मैं यूज करती हूँ, मुझे कभी कभी अगर कोई फेस मास्क लगाना है तो मैं कुकुम्बर जेल यूज कर लेती हूँ। इनफैक्ट ये जो कुकुम्बर जेल है इसमें ये 235 रुपीज के MRP या 100 ग्राम की इसकी बॉटल है। इसका जो जेल है ना वो इस तरीके का है, बहुत सही वाला है और इसका जो इफेक्ट भी है फेस पे काफी अच्छा है। गुड प्राइस पे ही मैंने दूसरा जो फेस जेल मंगाया है मॉइस्चराइजिंग, जो कि नीम और तुलसी है। ज्यादातर ये जो जेल है वो एक्ने स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर एक्ने फेस पे हो रहा है या किसी तरीके के पिंपल्स है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है स्किन से रिलेटेड, ऑयली स्किन है आपका। मेरा क्या है, फेस ना कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरा नोज एरिया जो है वो ऑयली रहता है, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो, और बाकी पूरा फेस जो होता है वो ड्राई हो जाता है। तो मैंने ये भी परचेज किया है नीम एंड तुलसी, और ये जो है ये है 235 रुपीज का, ये भी 100 ग्राम की बॉटल है। ये दोनों पे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है डर्मेडॉक्स से, फर्स्ट टाइम मैंने परचेज किया है नाइट क्रीम, ये स्किन टाइटनिंग नाइट क्रीम है। 50 ग्राम की ये बॉटल है, पूरी तरह के फेस पे हाइड्रेटेड है, इसमें भी पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसकी जो MRP है वो 300 रुपीज है। मुझे 50 ग्राम की ये 300 रुपीज थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था, बट डिस्काउंट था, थोड़ा बहुत डिस्काउंट इस पे भी था। इसमें और भी प्रोडक्ट मैंने मंगाया है डर्मेडॉक्स से, इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे, तो और भी जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं पर्पल से, बहुत जल्दी मैं उनका भी शॉपिंग हॉल करूंगी, उसको भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये छोटा सा ये बॉटल है व्हाइट और ब्लू कलर के शेड में। ये नाइट क्रीम क्या करता है आपके फेस पे, ओवर नाइट वर्क करता है, जब आप बिल्कुल सुकून से सो रहे होते हो, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आपके फेस पे जितने भी डैमेजेस हुए होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो हुई होती है उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो मुझे नाइट क्रीम सही लगते हैं, डे क्रीम तो अपनी जगह पे काम करते हैं, बट नाइट क्रीम जो ओवरऑल काम करता है ना आपके स्किन केयर के लिए वो बहुत सही है। आपको DIY करके भी आप नाइट क्रीम बना सकते हो, तो मैंने ये परचेज किया है, इसका इफेक्ट भी जल्दी से जल्दी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आज का ये शॉपिंग हॉल आपको कैसा लगा है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो कुछ मैंने परचेज किया और जो कुछ आपके साथ शेयर किया है, मैंने अपने यूज के लिए उसको मंगाया है, किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं और आप अपने यूज के लिए भी मंगा सकते हैं अगर कुछ भी आपको इसमें से चाहिए तो। और इन सब चीजों को इंडिविजुअल भी मैं अपने फेस पर अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी कि इसका इफेक्ट कैसा है। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।